रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा मजबूत है, लेकिन रोजगार के अवसर नहीं पैदा करने से अगले 10 सालों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जिस दर से महंगाई बढ़ रही है उससे संकट गहरा सकता है। उन्होंने कहा, हम आराम नहीं कर सकते हैं, हमें और करने की जरूरत है, अपने में कुछ और सुधार करने होंगे। उन्होंने कहा, मोदी सरकार उन्हीं को सही मानती है जो उसकी वाह वाह करते हैं, बाकी सब गलत हैं। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में राजन कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट से गुजर रही है, कोविड की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई है। हम एक गरीब देश हैं, पिछले कुछ सालों में जिस तरह की नौकरियों की जरूरत पड़ी है उसके लिए विकास अपर्याप्त रहा है। पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि हमें लोगों के स्किल बढ़ाने और शिक्षा के क्षेत्र में और तेजी लानी होगी। अगले 10 सालों में जो युवा स्नातक होकर निकलेंगे उनको स्किल बेस्ड शिक्षा देनी होगी, तभी नौकरियां पड़ सकेंगी। राजन ने आगे कहा, लोकतंत्र में संवाद बहुत जरूरी है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने व्यापक सलाह के बिना कई फैसले लिए, जैसे डिमोनेटाइजेशन, 3 कृषि कानून आदि, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ी और विरोध हुआ। राजन ने कहा कि लोकतंत्र में यह तब काम करता है जब आप संवाद करते हैं। संवाद एक अंतहीन सिलसिला है जो चलता रहना चाहिए। पिछले महीनों में मुद्रास्फीति प्रमुख मुद्दों में से एक रही है और पिछले 2 दिनों में संसद में बहस में सरकार ने घोषणा की कि यह कोविड और यूक्रेन रूस युद्ध जैसे बाहरी कारकों की वजह से है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अर्थव्यवस्था के प्रमुख पैरामीटर के रूप में विकास का हवाला देते हुए कहा था कि मौजूदा खुदरा मुद्रास्फीति 7% है और इसकी तुलना यूपीए शासन के दौरान 4 साल के लिए 9 से अधिक% के साथ की गई है। सुश्री सीतारमन ने भारत के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में रघुराम राजन की हालिया टिप्पणियों का भी उल्लेख किया था। रघुराम राजन ने कहा कि आरबीआई ने भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने, भारत को पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की समस्याओं से बचाने के लिए अच्छा काम किया है। उधर जरूरी सामानों की बढ़ती कीमतों और महंगाई के मुद्दे पर मंगलवार को राज्यसभा में हुई चर्चा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा कि गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए सरकार पर महंगाई को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली में रहने वाले ननसुख लाल नाम के एक सुरक्षाकर्मी का हवाला देते हुए कहा कि वह 12,000 रुपए हर महीने पाता है और उसी में पत्नी और 2 बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहा है। झा ने कहा कि वह 4,000 रुपए किराया, 2,000 रुपए बच्चों की ट्यूशन फीस, 1,200 रुपए गैस सिलेंडर और 3,000 रुपए खाने में खर्च करता है, यानी 10,200 रुपए खर्च करने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। स्वास्थ्य और दूसरे खर्चों के लिए शायद ही वह कुछ बचा पाता हो। उन्होंने कहा कि ननसुख लाल जैसे लोग हर शहर में है, नौकरियां नहीं होने, आय नहीं बढ़ने से युवाओं में आक्रोश है। मनोज झा ने कहा कि जॉब नहीं मिलने से बिहार अकुशल युवाओं का केंद्र बनता जा रहा है।